SN लाइव सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN लाइव। सिवान में अनियंत्रित बाइक से गिरकर महिला की मौत, स्वजनों में कोहराम। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में सिवान रघुनाथपुर मुख्य सड़क पर बने ब्रेकर पर बाइक से गिरकर महिला की मौत हो गई। इस दौरान बाइक चला रहा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां रास्ते में महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। मृतका की पहचान दरोली थाना क्षेत्र के दोन गांव निवासी राजेश सिंह की पत्नी बेबी देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में स्वजनों ने बताया, बेबी छठ करने अपने मायके सिसवन थाना क्षेत्र के नंदा मुड़ा गांव आई थी। बुधवार की सुबह वह अपने बड़े भाई प्रमोद सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर दरोली थाना क्षेत्र के दोन अपने ससुराल गांव जा रही थी। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में सड़क पर ब्रेकर बाइक अनियंत्रित हो गई। इससे दोनों मुख्य सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों व राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां महिला की स्थिति गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन सदर अस्पताल पहुंचे और शव का बिना पोस्टमार्टम कराए ही घर लेकर चले गए। सिवान से SN लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।